तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग मेरा टेक्निकल के चैनल में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक्सेंडर ऐप आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ फ्री में आप लोग डाउनलोड करना सिखा देंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे। यदि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल में प्रेस कर देना। तो फ्रेंड, आप लोग सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है APK एक्सेंडर। तो मैं सर्च कर लेता हूं, तो आप लोग इसे सर्च कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको नीचे दिखाई देगा एक्सेंडर APK, उसमें क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको फ्री डाउनलोड है उस पर क्लिक कर लेना है। तो थोड़ा ऐड आएगा, उसको स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, उसके फ्री APK डाउनलोड, उसमें क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा देख सकते हो आप लोग डाउनलोड होने लगा है, तो थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, तो आप लोग कुछ देर वेट कर लेना है। तो फ्रेंड, वो होने के बाद आप लोग कुछ ऐसे परमिशन सब वगैरह मांगेगा, आप लोगों को सब अलाउ कर देना है। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हो मेरा ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को ये ओपन में क्लिक कर लेना है, उसके बाद अनइंस्टॉल में क्लिक करना है। तो देख सकते हो मेरा ये थोड़ा डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसे परमिशन मांगेगा, इसको तो आई एग्री में क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना फ़ोन का लोकेशन देख सकते हो। तो फ्रेंड, कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, तो इसको आप लोगों को स्टार्ट बटन है उसको नीचे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो लाइव प्रूफ आप लोगों को एक्सेंडर डाउनलोड करके दिखा दिए हैं। यदि फ्रेंड हमारे इस वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।